ये है पतिदेव का बैग, ये अपना बैग लेके चलेंगे। ये मेरा बैग, पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब निकल गया। ये है मेरे कुली साहब। तो हेलो, गुड मॉर्निंग और पहला का आप सभी का और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे सिर्फ देवली ब्लॉग्स पे, फिर से एक नई सुबह के साथ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं बहुत जल्दी, अभी हो रहा है सुबह का 5:30 बज गया है और आज हमें जाना है वापस राजस्थान को। तो आज हमारी वापसी हो रही है राजस्थान को और 20 तारीख की जॉइनिंग है ना, तो इसीलिए हमें 18 को तो निकलना पड़ेगा इधर से। और रात को अभी सुबह यहाँ से निकलेंगे, फिर उसके बाद रात को 9:45 की ट्रेन है हल्द्वानी से। कार तो ब्लॉग की स्टार्टिंग तो यहीं से कर लेती हूँ और एंडिंग करूँगी मैं वहीं पहुँच के, राजस्थान पहुँच के ही एंड करूँगी इस ब्लॉग को। पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब निकल गया और अभी हम फिर से 2-3 महीने में आने की कोशिश करेंगे। 2-3 महीने के अंदर तो आ ही जाएंगे हम फिर से, शायद से नेक्स्ट होली में पक्का आएंगे हम लोग घर को, ऐसा प्लान कर रहा है अभी से मैंने। तो चलते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ भी पैकिंग हो चुकी है हमारी, ये मेरा बैग है और ये रुकसक, ये है पतिदेव का बैग, ये अपना बैग लेके चलेंगे। ये मेरा बैग, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, 7:30 बजे तक हमें निकलना है घर से। तो गाइस अभी हम लोग बागेश्वर पहुंच चुके हैं और अब यहां से हम लोग आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों अभी हम लोग हल्द्वानी पे पहुंच चुके हैं, रास्ते का तो क्या ही दिखाती है, आप लोगों ने देखा ही था मेरे ब्लॉग में, एक दो ब्लॉग में मैं दिखा चुकी थी पहले ही। पे फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, काठगोदाम टू जैसलमेर। बस मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आधे लोग इतने उतावले क्यों होते हैं ट्रेन में बैठने के लिए, कि दूर दूर से ऐसे भाग के आते हैं जैसे कि ट्रेन छूट ही जाएगी, ऐसा लगता है कि उनको सीट ही नहीं मिलेगी, जल्दी घुसना है मेट्रो में जैसे जल्दी जाना पड़ता है ना, तो वैसे ही ऐसा सीन करते ही, समझ में नहीं आता मेरे को, आपको बताए तो कमेंट में बताना। The next day. ये है दिल्ली कैंट पे, अभी काफ़ी टाइम के लिए रुकी है यहाँ पे, 1 घंटा रुकेगी ट्रेन, तो इसीलिए हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। ठंडा लग रहा है? No. गर्मी हो रही है इनको। तो ये है मेरे कुली साहब। कुली। A few moments later. ऐसे थोड़ी। तो ये है कुली साहब। तो गाइस अभी मैं जोधपुर सन सिटी पे पहुंच चुकी हूँ और अभी हमारी 11 बजे की ट्रेन है यहाँ से, तब तक हम थोड़ा सा घूम लेते हैं इधर पे।
कैसा लगा फिर स्वाद? ठीक थोड़ा सा बादाम शाही पी के थोड़ी सी एनर्जी अपनी बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ट्रेन में। गाइज मैं कहीं जाऊं और मेरे को डॉगी ना मिले, ना मिले ऐसा हो सकता है कहीं? और दूर से ही इतने प्यार करने लग जाते हैं मेरे से डॉगी। वो देखो रोटी दे रखी है इसको, ये रोटी भी नहीं खा रहा है। स्टेशन के डॉगी जो होते हैं ना वो बहुत अमीर होते हैं, वो ऐसी वैसी रोटी नहीं खाते, तंदूरी रोटी चाहिए उनको। 11 बजे की ट्रेन थी हमारी पर 45 मिनट लेट हो गई है, इसका मतलब काफ़ी टाइम बैठना पड़ेगा, और एक और घंटा ही समझ लो, एक और घंटा और बैठना पड़ेगा इधर पे, बोरियत हो गई बिल्कुल। जोधपुर से बाड़मेर के लिए करीब 4-5 घंटा लगता है, और बस में जाते तो रात हो जाती है हमें, इसीलिए हमने ट्रेन में 11 बजे ट्रेन निकलेगी तो 4 बजे हम लोग यहाँ से 4 बजे हम लोग उधर पहुँच जाएंगे, तो इसलिए सुबह का ठीक है, वरना बस में ना आधी रात में पहुँचते हैं वहाँ, 1-2 बजे तो कोई मिलता नहीं ऑटो वाटो वहाँ पर, इसीलिए। तो अभी का टाइम 5:30 हो रहा है, तो फाइनली गाइज हम लोग बाड़मेर पहुंच गए हैं। इतने लंबे सफ़र को पूरा कंप्लीट करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहीं पे अपना ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।